हेलो एवरीवन, सो आवर लास्ट लेक्चर वाज ऑन लिफ्ट। इसमें हमने डिफरेंट लिफ्ट के कॉन्सेप्ट्स देखे जो के सीमिंगली राइट हैं बट दे आर नॉट। इसमें हमारे पास था लॉन्गर पाथ इक्वल ट्रांजिट थ्योरी, देन वी हैड स्किपिंग स्टोन थ्योरी, देन वी हैड वेंचुरी थ्योरी एंड शॉर्ट देन फाइनली द करेक्ट एक्सप्लेनेशन विच वॉज कि इट इज बेसिकली ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन। और जो एयर फॉइल या कोई भी बॉडी है उसकी जो लोअर सरफेस है वो लिफ्ट किस तरह प्रोड्यूस करती है, इट इज प्रिटी इंट्यूटिव। यहाँ से फ्लूइड आया, उसने लोअर एंड से इंटरेक्ट किया और वो यहाँ चला गया। तो दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन प्रोड्यूसेस लिफ्ट। बट जो अपर सरफेस है इस एयर फॉइल की, इट इज ऑल्सो प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन डिक्टेटिंग व्हाट द लिफ्ट शुड बी। और उसकी बेसिस है कोएंडा इफेक्ट। कोएंडा इफेक्ट इज बेसिकली सिंपली जब कोई भी सरफेस है, जब उसके ऊपर से कोई जेट या फ्लूइड ब्लो करता है तो वो सराउंडिंग एयर को अपने साथ ड्रैग करके ले जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो जाता है और ओवरऑल फ्लूइड जो है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, विच इज इवन एम्बिएंट प्रेशर इज हाई प्रेशर नाउ, जिसकी वजह से फ्लूइड डिफ्लेक्ट हो जाता है। और जब फ्लूइड डिफ्लेक्ट होता है तो ये कोरस्पॉन्डिंगली इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा देता है बॉडी पे, जिसकी वजह से लिफ्ट प्रोड्यूस होती है। सो द पर्पस ऑफ द लेक्चर वाज के आप कोई भी थ्योरी पढ़े, कोई भी इंफॉर्मेशन सुने तो यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन दैट, स्पेशली जब आपको लगे कि उसमें कुछ गलत है। आइंस्टाइन गेव अ वंडरफुल थ्योरी जो कि तकरीबन 250 साल तक दुनिया ने मानी, बट देन केम आई गेस आई सेड आइंस्टाइन, आई वाज टॉकिंग अबाउट न्यूटन, और वो ठीक मानी जाती है। देन केम आइंस्टाइन हु फंडामेंटली प्रूव्ड न्यूटन रॉन्ग। ही प्रेजेंटेड अ थ्योरी, और न्यूटन की थ्योरी क्यों ठीक थी, क्योंकि कुछ ऐसे सिनेरियोस तक अभी हम पहुंचे ही नहीं थे जहां पे जाके न्यूटन की थ्योरी फेल हो। हम बहुत सिंपल सिनेरियोस एनालाइज करते थे जिस पर न्यूटन की थ्योरी सही आंसर देती थी, बट इन द केसेस व्हेन ग्रेविटेशन इज ग्रेविटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग और वेयर द ऑब्जेक्ट्स आर अप्रोचिंग स्पीड ऑफ लाइट, वी सॉ के न्यूटन की थ्योरी फेल होगी और आइंस्टाइन की थ्योरी वॉज सक्सेसफुल। तो अगर न्यूटन गलत हो सकता है तो कोई भी गलत हो सकता है। तो अब हम लिफ्ट पे मजीद बात करेंगे, ठीक है। लिफ्ट कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिक ना हो या वो अनसिमेट्रिक फ्लो फील्ड प्रोड्यूस करे, एंड देयर मे बी अ फोर्स नॉर्मल टू द फ्री स्ट्रीम नो टू द रिलेटिव फ्लूइड डायरेक्शन। क्योंकि अगर हमारी बॉडी भी मूव करिए देन इट कम्स डाउन टू रिलेटिव फ्लूइड फ्लो। Lift in airplane is desired, whereas in cars we don't need lift. We actually produce negative lift. जिस पे हमने काफी डिटेल से ऑलरेडी बात की भी है। लिफ्ट अगर हमने डिटरमिन करनी है तो सिंपली एक तरीका तो ये है कि प्रेशर और शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम लें और उसको इंटीग्रेट करें ओवर द एंटायर बॉडी, बट उसके लिए इन जनरल ना हमें शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होती है ना हमें प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होती है। द अदर वे इज जस्ट लाइक फॉर ड्रैग वी डिटरमिन कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट, which is mainly determined using experiments or high fidelity numerical simulation. High fidelity means very high end, very accurate. और इसमें हमारे पास आ जाती है direct numerical simulation DNS और large energy simulation LES भी आ जाती है। इसके बेसिस पे हम coefficient of lift produce कर लेते हैं और उसको use करते हुए हम lift determine कर सकते हैं। Now the thing is कि जब मैं coefficient of lift define करता हूँ, let's say for a car, क्या लेट्स से फॉर मेहरान, क्या मेहरान का कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट 0.3 में कह दूं तो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू करेक्ट, क्या वो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट कांस्टेंट है, क्या वो सिर्फ मेहरान की शेप का फंक्शन है। द आंसर इज यस एंड नो, ठीक है। इन जनरल कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट इज अ फंक्शन ऑफ फाइव थिंग्स, शेप, रेनॉल्ड्स नंबर, मॉक नंबर, फ्राउड नंबर एंड रफनेस।
कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट मेहरान का 0.3 है, इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ शेप को कंसिडर कर रहा हूँ, बट इट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट। मेहरान की सरफेस रफनेस नहीं चेंज होती, एंड देन उसका जो फ्राउड नंबर है दैट इज इररिलेवेंट। मेहरान की स्पीड पे जा रही है उसकी बेसिस पे उसका रेनॉल्ड नंबर और मार्क नंबर चेंज हो सकता है, बट मार्क नंबर जब लिफ्ट के केस में 0.8 या अबव होता है तब इम्पोर्टेंट होता है, और कोई भी राजा जी हो वो मेहरान को इतनी स्पीड पे नहीं लेके जा सकता कि उसका मार्क नंबर 0.8 को अप्रोच करे। सिमिलरली रेनॉल्ड नंबर चेंज होगा विद स्पीड, बट इन जनरल हम इंडिपेंडेंट रेनॉल्ड नंबर रेंज में होते हैं, तो रेनॉल्ड नंबर वेरी तो करेगा लेकिन उस पर उसका कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, नोट दैट द शेप इंक्लूड्स ऑरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल। ठीक है, ये ऑरिएंटेशन वो है जो ये शेप वो है जो ये फ्लूइड परसीव करता है। जब आप एयरफॉइल की अगर हम बात करें, इसका मैं एंगल ऑफ अटैक चेंज करूंगा तो इसकी शेप डिफरेंटली परसीव करेगा फ्लूइड। ठीक है, तो जो ऑरिएंटेशन है उसको हम शेप में ही डाल रहे हैं। ठीक है, फ्राउड नंबर इज ऑल इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज अ फ्री सरफेस, इट इज द केस ऑफ हाइड्रोफॉइल। इन इसको जिस तरह के हमारे पास भी बोट्स कह लें आप, ये शिप्स कह लें, जो कि लिफ्ट बेस्ड चलती है, बायंसी बेस्ड नहीं चलती। ठीक है, ये जो ये है ये हाइड्रोफॉइल है। अब जब ये शिप जो है ये बायंसी की वजह से फ्लोट तो कर लेगी, पर जब ये शिप चलने लगती है तो ड्यू टू हाइड्रोफॉइल इस पर लिफ्ट फोर्स लगती है, और ये जो इसकी हाइड्रोफॉइल है ये जो बोट है ये लिफ्ट हो जाती है। अब इसका अपेरेंट क्या है एडवांटेज, इस पे जो ड्रैग है वो बहुत कम हो जाएगा क्योंकि इसकी जो ये सारी बॉडी है ये लिफ्ट हो चुकी है, और सिर्फ जो ये पतली पतली हाइड्रोफॉइल्स हैं ये वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, तो दीज शिप्स हैव वेरी लेस ड्रैग। देन टाइडल टर्बाइंस, हाउ टाइडल टर्बाइंस, अगली स्लाइड पे देखेंगे। कुछ जो टाइडल टर्बाइंस हैं वो शेलो वाटर में इंस्टॉल की जाती हैं, जिसकी वजह से जो फ्री सरफेस होती है वाटर की वो बहुत करीब होती है टर्बाइन के ब्लेड्स के, तो इसकी वजह से जो फ्री सरफेस इफेक्ट है वो टर्बाइन के ब्लेड्स एक्सपीरियंस करते हैं। इन जनरल सरफेस रफनेस भी कोई रोल नहीं प्ले कर रही होती क्योंकि वो चेंज नहीं होती। हाँ, जो टाइडल टर्बाइंस हैं उसमें सरफेस रफनेस समटाइम्स इम्पॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि उसके जो ब्लेड्स हैं उस पे मॉस फंगस जो लीव्स होते हैं अंडर वाटर प्लांट्स वो डिपॉजिट हो जाते हैं ब्लेड्स पे, जिसकी वजह से उनकी सरफेस रफनेस चेंज हो जाती है और उसकी कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट चेंज हो सकता है इस वजह से, बट इन जनरल सरफेस रफनेस भी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। मार्क नंबर जो 0.8 से अबव होगा देन इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो फॉर अ कार it is not important, for an airplane it can be important, it is important most of the time, and Reynolds number bhi sometimes it's not important kyunki hum in general Reynolds independent range mein hote hain. So again shape is the most important characteristic. Ye hamare paas different types of tidal turbines hai, kuch floating hai, kuch anchored hai, kuch ducted hai, kuch arrangement array arrangement mein hai, तो इस तरह के मल्टीपल डिजाइन हैं हमारे पास टाइडल टर्बाइन्स के जो कि टेस्ट हो रहे हैं। कमर्शली देयर आर नॉट मैनी टाइडल टर्बाइन फार्म्स, ये जो है ये मेनली कमर्शली यूज नहीं हो रहे, ये प्रोटोटाइप्स है जो कि एक्चुअल कंडीशन में टेस्ट हो रहे हैं। जब कोई भी चीज डिजाइन होती है तो सबसे पहले उसका कंप्यूटर एनालिसिस होता है, उसकी बेसिस पे लेट्स से 100 में से हम 10 डिजाइन पास करते हैं, वो 10 डिजाइन पे लैब में टेस्ट होते हैं, फिर उनमें से हम 2 डिजाइन कहते हैं कि दीज आर दी बेस्ट डिजाइन, फिर वो एक्चुअल कंडीशंस में टेस्ट होते हैं क्योंकि लैब कंडीशंस भी एक्चुअल कंडीशंस को मैच हम एग्जैक्टली नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उनको हम एक्चुअली भी टेस्ट करते हैं। सही, कि जितने भी हमारे पास कॉमनली लिफ्ट जनरेटिंग डिवाइसेस है, एयर फॉइल्स, फैंस, स्पॉयलर्स ऑन अ कार, एयर फॉइल्स फॉर एयरप्लेन, विंड टर्बाइन, गैस टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन, पंप, ये बहुत हाई रेनॉल्ड नंबर रेंज पे
हायर रेनॉल्ड नंबर पे ये ऑपरेट करते हैं, इसलिए रेनॉल्ड इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी। फ्लो हैज अ बाउंड्री लेयर कैरेक्टर, विस्कस इफेक्ट्स इसमें डोमिनेंट नहीं होते, इसलिए जो लिफ्ट प्रोड्यूस हो रही होती है वो मेनली प्रेशर बेस्ड होती है। देर आर फ्लोज विच हैव अ रेनॉल्ड नंबर लेस देन वन, जिनमें शियर स्ट्रेस इज इम्पॉर्टेंट वाइल कैलकुलेटिंग लिफ्ट। जो वेरी स्मॉल इंसेक्ट्स हैं उनकी फ्लाइट एंड सिमिलरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो स्विमिंग है इन वाटर, इट इज डिक्टेटेड बाय शियर स्ट्रेस। एग्जाम्पल 9.1 फॉर इस टाइप के, उसको गो थ्रू कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस। ठीक है, गाड़ी में जो होता है इस तरह का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दिस इज लो प्रेशर, प्रेशर लेस देन एम्बिएंट प्रेशर, एंड दिस इज हाई प्रेशर। जो ये दो प्रेशर्स हैं ये मेनली आपस में मिलके ड्रैग को डिक्टेट कर रहे हैं, और 1, 2, 3, 4 and 5 और अ पार्ट ऑफ दिस ये मेनली लिफ्ट को डिक्टेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल लो प्रेशर जोन ज्यादा है, ठीक है, इस सरफेस पे, जिसकी वजह से ओवरऑल एक अपवर्ड लिफ्ट प्रोड्यूस होती है गाड़ी पे। और इसको हम काउंटर किस तरह करते हैं, जिस तरह हमने देखा था, सिंपली यूजिंग अ स्पॉइलर। यहाँ पे आपके पास टेक्निशियन पॉइंट पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर है, अगेन यहाँ पे फ्लूइड, यहाँ पे अगेन एक बॉडी सामने आ रही है जिससे वो इंटरेक्ट करता है, तो यहाँ पे अगेन हाई प्रेशर है और बाकी लो प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड स्पीड अप होने की कोशिश करता है। एज पर बर्नौली इक्वेशन, अगेन इस आप एग्जैक्टली बर्नौली इक्वेशन नहीं लगा सकते, अपर और लोअर सरफेस को बर्नौली इक्वेशन के थ्रू कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो टोटल एनर्जी है वो डिफरेंट होगी, बट एज एन एस्टिमेट वी कैन डू दैट। एयरफॉइल सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो कि लिफ्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो अब एयरफॉइल्स को पढ़ेंगे, उसमें तीन चीजें आ जाती हैं। सॉरी, एयरफॉइल का क्रॉस सेक्शन क्या है, उसकी एस्पेक्ट रेशियो क्या है, उसका एंगल ऑफ अटैक क्या है। ये एयरफॉइल किसके लिए, हर एयरफॉइल के अपना कॉफिशिएंट ऑफ लिफ्ट और कॉफिशिएंट ऑफ ड्रैग की वेरिएशन होती है विद एंगल ऑफ अटैक। तो ये किस एयरफॉइल के लिए वो मैंने यहां मेंशन नहीं किया, बट लेट्स से इट इज नाका 012। एस्पेक्ट रेशियो जब ज्यादा हो रही है, हम देख रहे हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ लिफ्ट भी ज्यादा हो रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ ड्रैग कम हो रहा है, और हमें यही रिक्वायर्ड है कि कॉफिशिएंट ऑफ लिफ्ट ज्यादा, कॉफिशिएंट ऑफ ड्रैग ज्यादा कम हो। सो वी वॉन्ट कि हमारा जो विंग है उसके एंगल, उसकी एस्पेक्ट रेशियो ज्यादा हो, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू इज कि जिस तरह एंगल ऑफ अटैक ज्यादा होता जाता है, तो हमारी लिफ्ट बढ़ती जाती है टिल अ सर्टेन एंगल ऑफ अटैक, लेट्स से 14 degrees, जिसके बाद एकदम से लिफ्ट कम होने लग जाती है। इसको हम कहते हैं स्टॉलिंग, कि जब लिफ्ट ड्रॉप हो रही है यहाँ वहां पे हमारे जो एयरफॉइल है, इट हैज स्टार्टेड स्टॉलिंग। स्टॉलिंग इज सिंपली फ्लो सेपरेशन। फ्लो सेपरेशन क्यों होती है, क्योंकि इस बॉडी का कर्वेचर है, पहले प्रेशर, पहले स्पीड बढ़ती है, प्रेशर रिड्यूस होता है, बट जब प्रेशर रिकवर करने की कोशिश करता है, बट ड्यू टू लॉसेस प्रेशर रिकवर नहीं कर पाता, वेलोसिटी लूज कर चुका होता है, फ्लूइड ओवर टोटली प्रेशर कन्वर्ट नहीं हो पाती, तो यहाँ पे एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड पे एक प्रेशर है कि वो लेफ्ट टू राइट फ्लो करे, ठीक है, इस डायरेक्शन में। बाउंड्री लेयर फ्लूइड के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि उसको काउंटर कर सके, इसलिए वो सेपरेट होने लग जाती है। हमने बड़ी डिटेल में देखा था फॉर अ सिलेंडर, यहीं यहाँ पे भी सिमिलर फिनोमिना हो रहा है। अब व्हाई स्टॉलिंग रिजल्ट्स इनटू लॉस ऑफ लिफ्ट, ये आपकी सेकंड असाइनमेंट होगी जो मैं अपलोड भी कर दूंगा, कि स्टॉलिंग की वजह से लिफ्ट लूज क्यों करती है एयरफॉइल। Aspect ratio is defined as the ratio of square of wing length to the planform area. It is basically के जो length है wing की, basically अगर मेरे पास ये wing है, ठीक है, तो इसकी length और जो ये एरिया है, ये लेंथ को स्क्वायर कर रहा हूं और एरिया में नीचे ले रहा हूं, तो बेसिकली
हमें हमने देखा था कि हमें हायर एस्पेक्ट रेशियो के विंग्स चाहिए, बट हमने देखा है मजीद के जो पैसेंजर एयरप्लेन्स हैं दे हैव लॉन्ग विंग्स, और जो फाइटर एंड एक्रोबैटिक एयरप्लेन्स हैं दे हैव शॉर्टर विंग्स। व्हाई? क्योंकि जितना विंग बड़ा होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, और पैसेंजर प्लेन्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाए तो इट्स ऑल राइट, वहां पे हमें फ्यूल एफिशिएंसी और उस तरह की चीज हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमें एयरप्लेन को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। बट फॉर अ फाइटर जेट एंड एक्रोबैटिक प्लेन्स, अगर वो एकदम से टर्न करना चाहते हैं तो विंग्स जितने बड़े होंगे उनके लिए टर्न करना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि इनके लिए मैन्यूवरबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइटर जेट्स के लिए, तो उधर हम एस्पेक्ट कम रखते हैं। The increase in drag due to smaller aspect ratio is termed induced drag, and it is due to swirling of flow near the wing tips. ठीक है? Aspect ratio क्यों dictate कर रही है drag या lift को? Because of this. या wing को अगर मैं यू टू डी बनाऊ, ठीक है, ये wing है। अब हमें पता है wing के नीचे high pressure है और ऊपर लो प्रेशर है, तो वैसे तो फ्लो नॉर्मल टू द स्क्रीन का है, बट यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर यहाँ पे लो प्रेशर, तो यहाँ पे जो फ्लूइड है वो यूं भी फ्लो करने लग जाता है अराउंड द टिप। तो आप देख सकते हैं कि ये लिफ्ट को कम करना चाह रहा है। अब विंग जितना छोटा होगा उसमें ये फिनोमिना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। लेट्स से विंग के सिर्फ इतने रीजन में ये फिनोमिना हो रहा है, अगर विंग की ये लेंथ है तो उसके 10% रीजन पे ये फिनोमिना हो रहा है। अगर विंग की एस्पेक्ट रेशियो ज्यादा है, विंग ज्यादा लंबा है, तो फिर उसके लेट्स से सिर्फ 2% रीजन में ये फिनोमिना हो रहा है। तो ओवरऑल ये जो फिनोमिना है ये इस पूरे विंग के जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको उतना इफेक्ट नहीं कर पाता अगर विंग लंबा हो। अगर विंग छोटा होगा तो ये फिनोमिना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी तरह ये ड्रैग को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए लो एस्पेक्ट रेशियो अगर होगी तो ड्यू टू दिस, इसे हम कहते हैं ब्लेड एंड फ्लोज, ब्लेड एंड या ब्लेड टिप फ्लो, ये इतना इंपॉर्टेंट होता जाएगा। और ये एक नेगेटिव फ्लो है, तो ब्लेड जितना छोटा है, विंग जितना छोटा है, ये नेगेटिव फ्लो उतना ही इंपॉर्टेंट होता जाएगा, क्योंकि ये विंग के ज्यादा रीजन पे परसेंटेज वाइज ये फ्लो हो रहा है। आई होप इट्स क्लियर। स्टॉल, वैसे स्टॉलिंग की वजह से ड्यू टू शियर इफेक्ट्स तो इतना फ्लो डिस्टर्ब नहीं होता, बट हमने देखा था वो काफी डिफरेंस जनरेट करता है। हमने बताया कि ये फ्लो सेपरेशन की वजह से होता है। अगर एयरक्राफ्ट बहुत लो हाइट पे हो तो स्टॉलिंग हो जाए तो एकदम से उसकी लिफ्ट लूज कर सकती है, एयरप्लेन कैन क्रैश। स्टॉलिंग की वजह से लिफ्ट लूज क्यों हो रही है, एक्चुअली फिजिक्स क्या है, दिस इज योर असाइनमेंट और क्विज, व्हाटएवर। फॉर नाउ आई विल बी ट्रीटिंग क्विज एंड असाइनमेंट इन अ सिमिलर वे। ये आपके पास है, हम क्योंकि हम चाहते हैं लिफ्ट ज्यादा और ड्रैग कम हो, तो हम एयरफॉइल की जो परफॉर्मेंस है वो हम लिफ्ट वर्सेस ड्रैग की रेशियो को देख लेते हैं। तो अगेन जो हमारे पास एयरफॉइल एक है विच इज 64412 एयरफॉइल, इस नंबर को किस तरह पढ़ते हैं, देर इज अ साइंस, देर इज अ नॉमेनक्लेचर बिहाइंड दिस, बट अगेन हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे। बट ये जो नंबर है ये हमें एयरफॉइल के बारे में बता रहा है, ये इसकी जो कॉर्ड है उसे कंपैरेटिवली, मतलब इसकी जो लेंथ है और उसकी थिकनेस में क्या सिमिलैरिटी है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें इस नंबर से मिलती है। अगेन आप देख सकते हैं इसमें रेनॉल्ड नंबर भी बताया गया है कि एट अ डिफरेंट रेनॉल्ड नंबर हमारे पास हो सकता है ये कर्व चेंज हो। मैं बताया था एयरफॉइल्स आर जनरली इन इंडिपेंडेंट रेनॉल्ड नंबर रेंज, बट समटाइम्स वो इतने इंडिपेंडेंट रेंज में नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था जब लैमिनर टर्बुलेंट लेयर होती है, लैमिनर होती है बाउंड्री लेयर, तो हमारे पास नॉन इंडिपेंडेंट रेंज है, जब वो टर्बुलेंट होती है तो एकदम से उसमें एक वेरिएशन आती है, ठीक है।
तो उस लिहाज से भी हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड। रेनॉल्ड नंबर बहुत ज्यादा हाई होता है तो भी वेरिएशन आने लग जाती है। तो फॉर दिस रेनॉल्ड नंबर ये एयरफॉल ये बिहेवियर शो करती है, इट स्टॉल्स एट रफली 4 degree ऑफ एंगल ऑफ अटैक। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर सी एल और सी डी का ग्राफ बनाऊं और ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ करूं मैं तो इट मीट्स एट दिस विच शोज के एट दिस पॉइंट एंगल ऑफ अटैक 4 पे हमारे पास इसकी जो स्लोप है वो मैक्सिमम है। मजीद हम विंग्स पे फ्लैप्स लगा देते हैं ड्यूरिंग, आप देख सकते हैं कि सी एल और सी डी की जो रेशियो है, दिस इज नो फ्लैप्स, दिस इज ट्रेलिंग एज स्लॉटेड फ्लैप, डबल स्लॉटेड ट्रेलिंग एज फ्लैप्स। ठीक है, इसका डाटा नॉट शॉन इसके लिए। तो इस तरह के कुछ फ्लैप डाले जाते हैं जो कि अलग से हम मूव करके एयरफॉइल की एक्चुअली शेप चेंज कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इनिशियली जब हम टेक ऑफ कर रहे हैं तो हमें लिफ्ट ज्यादा चाहिए और हम ज्यादा ड्रैग, इन जनरल आप देख सकते हैं कि ज्यादा लिफ्ट का मतलब ज्यादा ड्रैग भी है, लेकिन हम इस रेशियो को मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं। तो टेक ऑफ के वक्त हमें ज्यादा लिफ्ट चाहिए होती है तो ड्रैग ज्यादा बढ़ जाता है, वी आर ओके विद इट क्योंकि हमें लिफ्ट चाहिए ही चाहिए। वंस एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाई एल्टीट्यूड तो उसने सिर्फ अपनी हाइट मेंटेन करनी है, उसने मजीद अपनी हाइट गेन नहीं करनी, तो उसको लिफ्ट फोर्स कम चाहिए, तो इसलिए फिर ड्रैग को भी हम मिनिमाइज कर देते हैं। तो हम इसलिए हमें ये फ्लैप्स चाहिए जिनको हम मूव कर सके। ठीक है, फर्दर मोर इनिशियली एयरप्लेन की जो है वो स्पीड भी कम होती है। अगर आप इसको देखें लिफ्ट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय हाफ रो ए वी स्क्वायर्ड, रो ए वी स्क्वायर्ड वेलोसिटी स्क्वायर्ड। इनिशियली आप देख सकते हैं जहाज की स्पीड बहुत कम है तो टू अचीव लिफ्ट हमें कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट बहुत ज्यादा चाहिए। जब हम बहुत हाई एल्टीट्यूड पे हैं तो वहां पे स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए भी हमें कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट कम चाहिए टू मेंटेन लिफ्ट क्योंकि हमारे पास स्पीड बहुत ज्यादा है तो हमारे पास डायनामिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट हमें कम चाहिए। सर्कुलेशन, क्योंकि हमें विस्कस इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टू जनरेट लिफ्ट तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये सिर्फ प्रेशर बेस्ड है और इसके फर्दर हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो फ्लो के विस्कस इफेक्ट्स हैं दे आर नॉट प्लेइंग एनी रोल इन जनरेटिंग लिफ्ट। सो फॉर द पर्पस ऑफ लिफ्ट ओनली वी कैन एज्यूम फ्लो टू बी पोटेंशियल। हाउएवर इट इज ट्रू फॉर ओनली 0 degree एंगल ऑफ अटैक or in it is not very accurate for angle of attack from zero to stall angle or jab flow stall kar jaye to potential flow theory completely fail ho jati hai, isko hum use kar hi nahi sakte kyunki bilkul flow separate kar gaya, bahut zyada turbulent hai, bahut haphazard flow hai, streamlines ka concept bilkul khatam ho jata hai। Acha jo potential flow theory hai usko hum apply kare जीरो एंगल ऑफ अटैक पे तो वो आपको सही दे रही है, अगर सिमेट्रिक है एयरफॉइल तो जीरो लिफ्ट ही देगी विच इज करेक्ट, बट जब एंगल ऑफ अटैक नॉन जीरो होगा तो पोटेंशियल फ्लो थ्योरी मेक्स श्योर कि फ्लो इंटैक्ट रहे क्योंकि विस्कस इफेक्ट्स नहीं है। जब तक विस्कस इफेक्ट्स नहीं आएंगे एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट उस तरह नहीं आएगा, या एक्चुअली वो आ रहा है लेकिन फ्लूइड काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं हुई एंड इट कैन ऑलवेज काउंटर एडवर्स प्रेशर। तो इसलिए जब एंगल ऑफ अटैक ग्रेटर देन जीरो तब भी लिफ्ट जीरो मिल रही है। अब इसको हम काउंटर किस तरह करते हैं, बेसिकली क्या है लिफ्ट प्रोड्यूस कब होती है जब पूरा का पूरा फ्लूइड ये यहां से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये पोटेंशियल फ्लो सॉल्यूशन है विच इज विच गिव्स जीरो लिफ्ट क्योंकि इसमें फ्लो सेपरेशन नहीं है और सिमिलरली जो फ्लूइड है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अब इसको अगर मैंने डाउनवर्ड, एक्चुअली फ्लो सेपरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इज डाउनवर्ड क्या कहते हैं
डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, क्योंकि फ्लो सप्रेशन मेनली स्टॉल रीजन में इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फ्लूइड आके नीचे जाने के बजाय ये वापस ऊपर चले गया, तो ओवरऑल फ्लो यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल है और इसको अगर हम ओवरऑल देखें वो भी हॉरिजॉन्टल ही है। अगर मैं इसमें सर्कुलेशन डाल दूं क्लॉकवाइज तो मेरे पास जो फ्लो फील्ड है वो इस तरह की बन जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं व्हाट द विंग इज डूइंग, इट इज एक्चुअली इम्पार्टिंग अ सर्कुलेशन टू द फ्लो, कि जो फ्लो है उसको वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको वो सर्कुलेशन डाल रहा है इस तरह की। तो वो जितनी सर्कुलेशन डालेगा, इस हम देख सकते हैं ये जीरो लिफ्ट है, ठीक है, और ये कुछ लिफ्ट है, तो उसमें फर्क क्या है इस सर्कुलेशन का? जो प्रेंटल है, इसकी वजह से प्रेंटल ने ये थ्योरी दी थी कि जो लिफ्ट प्रोड्यूस होगी दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सर्कुलेशन इंपार्टेड बाय द एयरफॉइल टू द फ्लो, सही। इसके लिए एक्चुअली एक इक्वेशन भी है, वो शायद बुक में हो, मैंने यहाँ शेयर नहीं की, ये शायद बुक में भी ना हो, विच इज लाइक लिफ्ट फोर्स इज इक्वल टू लेट्स से हाफ डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सर्कुलेशन, कुछ इस तरह की, आई डोंट नो द इक्वेशन, बट इस तरह की कुछ इक्वेशन है कि लिफ्ट इट डिपेंड्स ऑन द सर्कुलेशन। तो एक तो ये है कि यहां से फ्लूइड आया तो इसमें बाउंड वोर्टेक्स, सर्कुलेशन इज अ वोर्टेक्स, इसको हम बाउंड वोर्टेक्स कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये जब फ्लूइड आ रहा है तो इट इज बाउंड बाय द एयरफॉइल शेप, कि फ्लूइड ने इस तरह सर्कुलेशन उसमें डेवलप हुई है जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको शो की है। एक और हॉर्सशू वोर्टेक्स इज दिस सर्कुलेशन या दिस वॉर्टेक्स प्लस दिस वॉर्टेक्स, ये वॉर्टेक्स क्या है जिसको मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया था, नीचे जो है हमारे पास हाई प्रेशर है एयरफॉइल के या विंग के, ऊपर लो प्रेशर है जिसकी वजह से फ्लूइड यू रोटेट होके नीचे से ऊपर आने की कोशिश करता है। तो इसको हम ट्रेलिंग वॉर्टेक्स कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये पीछे ये जब वॉर्टेक्स जनरेट होता है तो ये इस तरह करके ट्रेल करता है एयरप्लेन को। आपने इस तरह की एक और ये दो चीजें देखी होंगी, जब जहाज बादलों में से गुजरे तो इस तरह का ये फिनोमिना जनरेट करता है। आप देख सकते हैं ये इसी तरह का ये वोर्टेक्स है, नीचे से फ्लो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली आप ये देख सकते हैं ये मेनली क्या हो रहा है, इसके साथ ना प्रेशर, लो प्रेशर जनरेट हो जाता है और जो वेपर होता है एटमोसफेयर में वो आहिस्ता आहिस्ता कंडेंस होने लग जाता है। तो ये एक्चुअली वाटर वेपर हमें शो हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी शेप उसी तरह की है। तो ये ट्रेलिंग वोर्टेक्स प्लस दिस बाउंड वोर्टेक्स, इसको मिला के हम हॉर्सशू वोर्टेक्स कहते हैं और ये एयरप्लेन की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एयरप्लेन का विंग जितना छोटा होगा ये जो ये वोर्टेक्स है ये उसका उतना ज्यादा रीजन ऑक्यूपाई करेगा और उतनी ज्यादा लिफ्ट कम करेगा और ड्रैग ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। इसकी वजह से जो ड्रैग होता है उसे हम इंड्यूस ड्रैग कहते हैं और दैट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी टू अंडरस्टैंड, तो इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं किया। लिफ्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है कि सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ से फ्लूइड आके यहाँ पे ऊपर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसलिए जो नीचे से लिफ्ट प्रोड्यूस हो रही थी उसको काउंटर कर रहा है, बट ड्रैग इज ट्रिकियर, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देख सकते हैं कि रेड स्मोक है, यहाँ पे एयरप्लेन आएगा और वो इसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये देखा आपने यहाँ पे ये वो ट्रेलिंग वोर्टेक्स प्रोड्यूस हुआ है सर्कुलर। मैग्नस इफेक्ट इट हैज बीन डिस्कस बिफोर एज वेल बट वी गोना डिस्कस इट अगेन। मैग्नस इफेक्ट इज सिंपली अ रोटेटिंग सिलेंडर प्रोड्यूसेस लिफ्ट। Why? Normally ये सिलेंडर है, इसके अराउंड फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस तरह से। अब क्या होगा जब ये रोटेट करता है सिलेंडर, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो वेलोसिटी है, अब देखिए आप देख सकते हैं एयर जो वो है लेफ्ट टू राइट जा रही है,
तो अपर सरफेस पे जो सिलेंडर है, क्योंकि नो स्लिप कंडीशन होती है तो सिलेंडर एयर की स्पीड को अफेक्ट करता है, बट यहाँ पे उसकी स्पीड को, क्योंकि सिलेंडर भी यूरोटेट कर रहा है और वो एयर को यूरोटेट करना चाहता है, तो इस पॉइंट पे वो भी एयर को यूरोटेट करना चाहता है, एयर भी लेफ्ट राइट मूव करिए, तो यहाँ पे एयर की स्पीड ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे लोअर सरफेस पे एयर यू मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट, जबकि सिलेंडर के साथ जो एयर है वो राइट टू लेफ्ट मूव करना चाहती है, क्योंकि अगर आप रोटेशन को देखें तो वो यहाँ पे यू राइट टू लेफ्ट जा रही है, वो उसको यू फ्लो करना चाहते हैं, तो ओवरऑल जो एयर की है यहाँ पे स्पीड वो कम हो जाती है, लो स्पीड हाई स्पीड। तो फिर अगेन एज पर बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास प्रेशर लो हो जाएगा क्योंकि हाई स्पीड है, और यहाँ पे हमारे पास प्रेशर हाई हो गया जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में एक लिफ्ट फोर्स प्रोड्यूस होगी। और ओवरऑल भी देख सकते हैं कि ओवरऑल स्टैग्नेशन पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर गए, ठीक है, ये ओवरऑल फ्लो फील्ड चेंज हो गई है, यहाँ पे हाई यहाँ पे स्टैग्नेशन पॉइंट है, तो अब जो हाई प्रेशर है वो इस रीजन में है, क्योंकि स्टैग्नेशन पॉइंट पे आपको पता है प्रेशर हाईएस्ट होता है, तो स्टैग्नेशन पॉइंट अब सेंटर में नहीं रहा, नीचे आ गया, इस वजह से यहाँ पे लिफ्ट प्रोड्यूस होती है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन भी है, और ये एक्सप्लेनेशन भी है स्मूथ स्फीयर के लिए ओमेगा, जो उसकी रोटेशन वेलोसिटी है वो, और कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट ऑफ ड्रैग किस तरह वेरी कर रहे हैं वो आप इधर देख सकते हैं। ये वेरिएशन है कि जितनी स्पीड ज्यादा हो रही है इन जनरल उसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट ऑफ ड्रैग ज्यादा हो रहा है टिल अ पॉइंट, उसके बाद ये सेम होने लग जाती है। ठीक है, मोर द रफनेस मोर फ्लूइड स्पिन्स मोर लिफ्ट इज प्रोड्यूस्ड, नॉट लाइफ लिफ्ट। ठीक है, जितनी ज्यादा रफनेस होगी उतना ज्यादा ही सिलेंडर इसकी जो अराउंड एयर है उससे इंटरेक्ट कर पाएगा, एंड उसी तरह वो उतनी ज्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। तो रफनेस यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है फॉर रोटेटिंग बॉडीज, रफनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इसके बाद एक वीडियो है जो कि आप देख चुके हैं, ये यू जा रहा है तो इसमें लिफ्ट प्रोड्यूस होती है, इसको हमने काफी एक्सप्लेन किया था। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, इसी की बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं। बॉल में जब आप स्पिन डालते हैं तो इसलिए वो स्विंग करती है, जब बॉल स्विंग क्यों करेगी कि आप उसमें स्पिन डाल रहे हैं, एक तो ये वजह है बॉल के स्विंग करने की, जब वो स्पिन कर रही है तो इट इज सिमिलर टू अ रोटेटिंग स्फीयर या सिलेंडर, जब आप स्फीयर कर लें तो वो हवा में स्विंग करती है बॉल। फर्दरमोर बॉल की जो सीम है दैट इज अ रफ एलिमेंट, रिवर्स स्विंग में क्या होता है कि बॉल की एक साइड आप शाइनी रखते हैं दूसरी रफ रखते हैं, तो अगेन रफनेस का फर्क आ गया, उसकी वजह से भी बॉल स्विंग करती है। ठीक है, तो ये रफनेस और बॉल को जब आप स्पिन दे रहे हैं उस पे डिपेंड कर रही है। सिमिलरली फॉर अ टेनिस बॉल, सिमिलरली फॉर अ क्या कहेंगे फुटबॉल, अगर आप बॉल को ज्यादा देर हवा में रखना चाहते हैं उसके लिए भी आप स्पिन एक दे सकते हैं। ठीक है, वो इस तरह के स्पिन के बजाय वो इसके, अगर हम देखें 3D में तो नॉर्मल टू द, मतलब उसमें बॉल इन द डायरेक्शन ऑफ बॉल्स मोशन स्पिन करेगी। बॉल अगर लेट से बॉलर बॉल कर रहा है, ठीक है, अगर वो बॉल को लेफ्ट या राइट उसमें स्पिन डालेगा तो बॉल लेफ्ट या राइट मूव करेगी, अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ बॉल उसमें स्पिन डालेगा तो उसी तरह बॉल या बहुत या डिप करेगी या वो जरा ज्यादा उसकी फ्लाइट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आप दो प्लेन्स में बॉल में स्पिन डाल सकते हैं। लास्टली उजैर का एक क्वेश्चन था कि नकल बॉल इफेक्ट क्या होता है,
एज पर माई रिसर्च उसकी दो एक्सप्लेनेशन है. नकल बॉल इज एक्चुअली उसमें जो बॉल है, लेट्स से यहां से बॉल स्ट्राइक की है, ठीक है, तो ना बॉल इस तरह का हैप्हैज़र्ड मोशन शो करती है और वो आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ स्पिन कर जाती है, मूव कर जाती है, ठीक है. तो ओवरऑल उसकी ट्रेजेक्ट्री लेट्स से कुछ इस तरह की है, लेकिन वो यू ऑसिलेट करती जा रही है. इसकी दो एक्सप्लेनेशन हो सकती है. पहली एक्सप्लेनेशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है कि वो ये इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें आप यू डू नॉट इम्पार्ट सिग्निफिकेंट स्पिन टू द बॉल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस बॉल में ज्यादा स्पिन नहीं डालते. अगर उसमें आप ज्यादा स्पिन डालेंगे तो बॉल विल कर्ल टू अ साइड. इसमें बहुत स्लाइट स्पिन डालते हैं आप, या मे बी कोशिश यही होती है कि स्पिन ना हो. इसमें जो इंपॉर्टेंट है फिर दो, फर्स्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर, कि किस रेनॉल्ड नंबर पे बॉल को आप शूट करते हो. इसकी वजह से दो इफेक्ट हो सकते हैं. फर्स्ट इज वॉर्टेक्स शेडिंग. हमें पता था वॉर्टेक्स शेडिंग की वजह से ऑसिलेटरी मोशन प्रोड्यूस होता है, तो ये जो ऑसिलेटरी मोशन है ना, इसको हम वॉर्टेक्स शेडिंग पे एट्रीब्यूट कर सकते हैं. And the second thing is transitional boundary layer. कि बॉल पे जो बाउंड्री लेयर बनी है, दैट इज ट्रांजिशनल. इट स्विचेस बिटवीन लैमिनर एंड टर्बुलेंट, और उसकी वजह से इसका जो बिहेवियर है वो इतना हैप्हैज़र्ड होता है कि वो ऑसिलेट भी करती है, और फिर इसने इन द एंड टुवर्ड्स राइट मूव करना या लेफ्ट मूव करना है वो डिक्टेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बाउंड्री लेयर बहुत स्विच कर रही होती है. तो दैट्स द एक्सप्लेनेशन फॉर नकल बॉल इफेक्ट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 9, और अब मैं जो असाइनमेंट है वो आपके अपलोड कर दूंगा. यू हैव टू कंप्लीट दैट एंड अपलोड ऑन टाइम. So till then, hamara lecture khatam, and see you in the next lecture. Take care. Allah Hafiz. Come on, man.